जिन लोगों का जन्मदिन 30 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में इस वर्ष भी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये बात सही है कि भगवान शिव की जो मूर्ति है वो हर श्मशान में पाई जाती है। क्यों? देखिए, ऐसा माना जाता है कि शिव जी श्मशान में विद्यमान रहते हैं और वहीं पर भस्म रमाते हैं, भस्म लगाते हैं। इसके अलावा वो संहार के और मुक्ति मोक्ष के देवता भी हैं। श्मशान में उनकी मूर्ति व्यक्ति के मुक्ति के मार्ग पर जाने को प्रेरित करती है। व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर जाना है, एक दिन ईश्वर की उपलब्धि करनी है, इसके लिए वो श्मशान में प्रेरणा देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको या किसी और को बार बार चोट लगती रहती है। कभी पलंग से लग रही है, कभी दरवाजे से लग रही है, कभी गाड़ी से लग रही है। छोटी छोटी चोट लगातार रोज रोज लग रही है। क्या करना चाहिए? हनुमान जी के मंदिर चले जाइए मंगलवार को, और हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगा रहता है, वो सिंदूर थोड़ा सा ले आइए। रोज सुबह नहाने के बाद इसको अपने माथे पर या अपने कंठ पर लगा लीजिए। और याद रखिए, इस तिलक को लगाकर मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर आप ये उपाय करना शुरू करेंगे तो आपकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, दुर्घटनाओं से और छोटी छोटी जो चोट चपेट लग रही है उन समस्याओं से आप बचे रहेंगे। अगर आप कानूनी मामले के लिए जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो कमर के ऊपर हमेशा सफेद कपड़ा पहनकर कोर्ट जाइएगा। शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, जो भी पहन करके कोर्ट जा रहे हैं वो सफेद रंग का हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब आप कोर्ट जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ने वाले मंदिर में हनुमान जी का दर्शन जरूर कर लीजिएगा। हनुमान जी को नमस्कार करके तब कोर्ट जाइएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो न्यायालय के मामलों में, कोर्ट के मामलों में आपके जीवन में सुधार अवश्य होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।